सिल्की स्मूथ शाइनी हेयर हर किसी की चाहत होती है। मूवीज़ में देखा करते थे हीरो हीरोइन शैम्पूज़ की एड्स, बहुत सारी ऐसी एड्स जिसमें सिल्की लहराते हुए बाल हमें दिखते थे और हमें चाहत होती थी कि काश हमारे भी बाल ऐसे हों। तो होम रेमेडीज़ के साथ अगर आप ऐसे बालों को चाहते हैं जिसमें आपके बाल सिल्की स्मूथ शाइनी हों, घने हों, लंबे हों, तो टेक्सचर अच्छा होना चाहिए, आपके बालों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपके बाल काले होने चाहिए और किसी भी उम्र में हम होम रेमेडीज़ को यूज़ करें अच्छे तरीके से ताकि हम इस तरह के बाल हासिल कर पाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि होम रेमेडीज 500% इफेक्टिवली वर्क करती हैं अगर हम उसको कंसिस्टेंटली और विश्वास के साथ काम करते हैं। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स ही कंटिन्यूस मंथली 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ यूज़ करते हैं, बस आप कंसिस्टेंटली यूज़ करिए और फिर आप उसका रिजल्ट देखिए। सो इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगी एक ऐसा पैक जो आपके किचन में इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट से बन जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इजी है और 2-3 इंग्रेडिएंट्स को मिला के मैंने ये बनाया है आपकी सहूलियत के हिसाब से, ताकि आप इसको यूज़ कर पाएँ और इसको स्किप ना करें कि ये इंग्रेडिएंट हमारे पास नहीं है या ये नहीं है। तो इस मास्क को आप लगाएंगे तो फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको मेरे बालों का रिजल्ट आपको दिख रहा होगा साइड में, जिसमें कि मैं आपको शो कर रही हूँ ये सनलाइट में मेरे हेयर एंड देन ये घर के अंदर मेरे हेयर। सो सिल्की स्मूथ शाइनी हेयर अगर आप चाहते हैं, क्योंकि अगर आपके बालों की हेल्थ अच्छी होगी, न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा आपके बालों को, तो अल्टीमेटली आपके बाल ग्रो भी करेंगे एंड देन ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे कम होगी। सो चलिए रेमेडी को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए बिंदु नेचुरल वर्ल्ड को, आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए घंटी को दबाइए, ये बिल्कुल फ्री है। सो सबसे पहले फ्रेंड्स हमने लिया है आंवला। आंवला हमारे बालों के लिए वरदान है, आप किसी भी रूप में आंवले को यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप इसका जूस पीते हैं, चाहे आप इसको बालों में लगाते हैं या फिर इसकी कैंडी अचार या कुछ भी खाते हैं। तो फ्रेंड्स आंवला जो होता है उसमें भरपूर विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, हेल्थ के हिसाब से तो अच्छा होता ही है। अगर आप इसको इंटरनली इंटेक करेंगे तो आपके बाल वैसे ही अच्छे हो जाएंगे और एक्सटर्नली भी अप्लाई करेंगे तो डबल इफेक्ट मिलेगा। नाउ यहाँ पे फ्रेश आंवला मैंने लिया है, 3 आंवले लिए हैं, अच्छे से धो लिया है और उनको अच्छे से काट लिया है। आपके पास फ्रेश आंवला नहीं हो तो आप आंवला पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर फ्रेश आंवला है तो इट्स लाइक सोने पे सुहागा, तो आप फ्रेश आंवला यूज़ करिएगा। फ्रेश आंवला मिल रहा है, इसको किस तरह से सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि फ्रेश आंवले को हम किस तरह से स्टोर करें ताकि आप साल भर उन आंवलों को यूज़ कर पाएँ। सो आंवले को काटने के बाद मैंने इसको साइड में रख दिया है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपको हर घर में मिल जाएगा, नहीं है तो आप प्लांट लगा लो, इसको यूज़ करो, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। 1 लीफ मैंने यहाँ पे लिया है, आप चाहो तो 2 लीफ भी ले सकते हो। यहाँ पे 1 लीफ को मैंने अच्छे से धो लिया था, इसको साइड में रख दिया। इसका येलोइश पार्ट जो होता है हमने निकालना होता है। नाउ ये देख सकते हो आप, ये 1 हफ्ते पहले टूटा हुआ लीफ है, फिर भी इतना मॉइस्चर होता है इसमें, इतना हाइड्रेटिंग पावर होता है इसमें कि ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। और सेम इसी तरह से ये हमारे बालों के ऊपर भी काम करता है, बहुत ही अच्छे से डीपली हाइड्रेट रखता है आपके बालों को। जब आपके बालों को अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा तभी आपके बाल ग्रो करेंगे। सो यहाँ पे आप लीफ को अच्छे से साइड से कट कर लेना है और फिर हम इसको हाफ हाफ करके इसके बीच का जेल निकाल लेंगे और आप देख सकते हैं कि कितनी मोटी लेयर मेरी निकली है। अब यहाँ पे आप जो लीफ है आप 2 भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स मैंने एक जार लिया है, जार के अंदर मैंने आंवला डाल दिया है, आंवले के साथ साथ मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल भी डाल दिया है और इसको मैंने 1/2 कप पानी यूज़ किया है एंड देन अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया है। स्ट्रेन करने के बाद आपके पास ये बहुत ही अच्छा सा जूस तैयार हो जाता है, इसको हम टॉनिक भी कहते हैं। इसको आप चाहें तो इसको भी स्टोर करके रख सकते हो किसी बॉटल में भर के एंड देन इसको डेली यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी स्कैल्प पे यूज़ कर सकते हैं, अपनी दाढ़ी मूछ पे यूज़ कर सकते हैं और इसको जब कंसिस्टेंटली आप यूज़ करेंगे, आप इसको लगाइए और छोड़ दीजिए, धोने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने शैम्पू करना है, शैम्पू से पहले अगर आप इस टॉनिक को लगा रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा आप तेल डाल लें, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सीसम ऑयल,
जो आपको अच्छा लगता है वही तेल आप यूज़ करें एंड देन अप्लाई कर लें, क्योंकि इसकी गुडनेस इतनी ज़्यादा अच्छी है, ये अगर आप कंसिस्टेंटली यूज़ करेंगे तभी आपको इसका इफेक्ट नज़र आएगा। नाउ इसमें मैं आपको मास्क शेयर करूँगी। मास्क बनाने के लिए हमने सबसे पहले लेना है एक बाउल। बाउल में हमने डालना है यहाँ पे हिबिस्कस फ्लावर्स का पाउडर। ये गुड़हल के पत्तों का पाउडर है और ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा। और अगर आपके पास हिबिस्कस फ्लावर्स हो, फ्रेश वाले हिबिस्कस फ्लावर्स, वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मीन्स सोने पे सुहागा है वो भी चीज़। तो अगर आपके पास फ्रेश हिबिस्कस फ्लावर्स हैं तो 5-7 हिबिस्कस फ्लावर्स ले लें, उसको अच्छे से धो लें और जो हमने ब्लेंड किया है उसी के अंदर भी ब्लेंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच की जितना हिबिस्कस फ्लावर्स का पाउडर लिया है एंड देन मैंने यूज़ किया है यहाँ पे कपूर काचरी। तो फ्रेंड्स ये कपूर काचरी आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए नई चीज़ होगी और ये आपको नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर में नहीं मिलेगी। अगर आपके वो इजीली अवेलेबल है तो आप ले सकते हो, लिंक मैं दे दूंगी ऑनलाइन। बट अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको रिप्लेस करेंगे मेथी सीड्स का पाउडर के साथ, मतलब कि मेथी के पाउडर को हम यूज़ करेंगे और उसका भी हम 1-2 चम्मच की जितना इसमें डालेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें डालेंगे ऑयल। नाउ ये कौन सा ऑयल है? ये ऑयल जो मैंने यूज़ किया है ये है तिल का तेल। कोल्ड प्रेस्ड मेथड से बनाया गया तिल का तेल है ये, और ये मैंने सामने खड़े होके, मतलब कि ये बिल्कुल प्योर है, तिल से ये तेल निकलवाया है। जहाँ पे भी आपके कोई भी चक्की होती है, जहाँ पे आपकी हल्दी मिर्च वगैरह मसाले वगैरह जो पीसते हैं उनके पास हो सकता है ये मशीन हो, एंड आई हैव सीन दिस मशीन एंड मुझे लगा कि ये मुझे घर पे मींस पर्सनली परचेज कर लेनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें आप सीसम ऑयल निकाल सकते हो, तिल का तेल निकाल सकते हो और अलसी का तेल भी इसमें निकाल सकते हैं। मैंने ये कोल्ड प्रेस्ड तिल का तेल निकलवाया है एंड दिस इज़ 100% प्योर। आपके पास तिल का तेल नहीं है, आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हो, आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर कि वो प्योर होना चाहिए, कोल्ड प्रेस्ड मैथड से बनाया गया होना चाहिए। कोल्ड प्रेस्ड मैथड में जब हम बीजों को क्रश करके प्रेस करके ऑयल निकालते हैं तो उसकी गुडनेस उस ऑयल में रहती है। सो फ्रेंड्स अगर जब भी हम हीट करते हैं किसी भी चीज़ को तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाता है, इसीलिए मैं एम्फेसाइज करती हूँ कोल्ड प्रेस्ड वाले ऑयल्स को यूज़ करने के लिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 चम्मच या 2 चम्मच की जितना आपने ऑयल डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस जूस के साथ, इस टॉनिक के साथ इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ना है। 2-3 मिनट के बाद ये अच्छे से फूल जाएगा। फूल जाएगा मीन्स ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। एंड देन इसको पतला करने के लिए हमें इसी जूस को फिर से यूज़ करना है थोड़ा सा। एंड चलिए एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन के लिए आप देख सकते हैं मेरे बालों में किसी भी तरह का कोई ऑयल नहीं लगा हुआ है। जो स्कैल्प में ऑयल प्रोड्यूस होता है वही प्रोड्यूस हुआ हुआ है क्योंकि मैंने 3-4 दिन पहले अपने हेड को वॉश किया था एंड देन इंडिगो वाले हेड को वॉश किया था। जो इंडिगो मैंने अप्लाई किया, ऑयल लगाया, उसके बाद वॉश किया एंड देन आप देख सकते हो कि मेरे हेयर 4-5 दिन के बाद भी बिल्कुल ब्लैक हैं। एंड देन आई एम अप्लाइंग दिस हेयर मास्क टू एनहांस माई इंडिगो कलर। तो आपने लेयर बाय लेयर इसको अप्लाई कर लेना है। स्कैल्प के लिए ये मास्क है, आपने अपने रूट्स के ऊपर कंसंट्रेट करना है और फिर लेयर बाय लेयर पहले आगे के बालों को कवर करेंगे, फिर हम पीछे के बालों को कवर करेंगे और इसको अच्छे से लगाएंगे। एंड देन जो जूस हमारा बचा है उसको आप बालों पे भी लगा सकते हो और अपने इस मिक्सचर में मिक्स करके भी लगा सकते हो। सो इस तरह से आपने कंसंट्रेट करना है अपने स्कैल्प के ऊपर और टिप्स के ऊपर, आपके ये जो टिप्स हैं इसके ऊपर स्प्लिट एंड्स नहीं हो, हाइड्रेटेड रहें आपके ये जो एंड्स हैं ताकि इनकी ग्रोथ होती रहे। सो अप्लाई कर लें अच्छे से और इसको आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बना के अपने बालों के ऊपर भी लगा सकते हैं। एंड देन आपने बन बना लेना है। बन बनाने के बाद इसको कम से कम आधे घंटे के लिए रखना है एंड देन नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर लेना है। और फ्रेंड्स आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको बहुत अच्छा फील होगा, टच करने से बहुत अच्छा फील होगा और लुक वाइज तो आप देख ही सकते हैं सनलाइट में कितने अच्छे से चमक रहे हैं बाल। वीकली वंस यूज़ करेंगे इसको, कंसिस्टेंटली यूज़ करेंगे तो 3-4 महीने के अंदर आपको इसके रिजल्ट्स विजिबल होंगे। एंड फर्स्ट एप्लीकेशन में या फर्स्ट 2-3 एप्लीकेशन में आपका हेयर फॉल बिल्कुल रुक जाएगा, दिस इज़ गारंटेड। सो आप इस हेयर मास्क को ज़रूर ट्राई करिएगा एंड लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बार में दे दूँगी, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करिएगा। आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।